शौचालय में मौजूद हूँ। और आप जो देख रहे हैं जरा गौर से देखिए, आज के ही दिन थोड़ा दिखाइएगा, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा इधर दिखाइए आप, आज के दिन जो है समेली प्रखंड का आज 31वां स्थापना दिवस है, 30 जुलाई को समेली प्रखंड का स्थापना दिवस स्थापना हुई थी। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे स्थापना दिवस, देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है समेली के लिए कि इतना भीड़ आप देख सकते हैं, काफी गर्मी रहने के बावजूद भी यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। डायरेक्टर DRDA कटिहार वह भी पहुंचे थे, DDC कटिहार वह भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, और करारी के विधायक विजय सिंह निषाद, कटिहार के MLC अशोक अग्रवाल, उसके बाद सभी जनप्रतिनिधि मुखिया और यहाँ के ग्रामीण भी सब जनता मौजूद है। थोड़ा नजदीक आइएगा, यहाँ के कुछ लोगों से राय लेना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और समेली प्रखंड का स्थापना दिवस थोड़ा पूछेंगे। कहाँ आए थे, कहाँ 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 आए? प्रखंड आए थे। हाँ प्रखंड, क्या हो रहा है प्रखंड में? प्रखंड स्थापना दिवस, स्थापना दिवस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। अपना कटिहार जिला में 16 प्रखंड है ना, 16 प्रखंड में सब एक नंबर में हमारा समेली प्रखंड है। कहाँ से है? हम लोग पार पंचायत के पंचायत समिति है। अच्छा, ये यहाँ पे आप कार्यक्रम देखे अंदर में, कैसा कार्यक्रम जा रहा है बताइए हमारे? देखे बहुत अच्छा से काम, सुंदर है, इससे बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा सजावट है, देखने लायक है कटिहार जिला में। उधर सुनिए, आप देखे कार्यक्रम अंदर, देखे कैसा है? ठीक है। कैसा थी, क्या क्या थी, क्या सब देखे आप? जो सब हो रहा है वो सब देखे। देखे ना, अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। पहले ऐसा कार्यक्रम देखे थे? पहले से बढ़िया है, पहले से अच्छा है। आप बताइएगा कैसा, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार का। घर कहाँ है? मलहरिया पंचायत। मलहरिया से ही आए हैं, थोड़ा आप बढ़ जाइएगा। हाँ कहाँ से आए हैं? डुमर से। कहाँ, क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ कार्यक्रम देखने के लिए। कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बढ़िया रहा। अच्छा रहा? हाँ। देख लिए? हाँ। भोजन भात कर लिए? हाँ, हाँ। क्या भोजन खाए? चावल। चावल और क्या खाए बोलिए ना, बोलिए। और कौन सी खाएंगे? चावल खाली खाए हैं, दाल चावल सब। यही बताइए ना आप, देखिए यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी, अगर यहाँ पे प्रोग्राम आप खाए, क्या खाए? भात दाल सब्जी है। कैसा रहा प्रोग्राम समेली प्रखंड स्थापना दिवस, कैसा रहा? ठीक है, अच्छा रहा। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ है, थोड़ा बताएंगे कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए? कौन? हम। हाँ चौर पंचायत से। कैसा रहा कार्यक्रम? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। क्या 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 देखे आप, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, क्या क्या देखे? कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत देख लिया। और ना थोड़ा अपने स्तर से बताइए ना, यहाँ पे कितना देर आप रुके? लगभग दो तीन घंटा रुके। दो तीन घंटा? यहाँ का जो व्यवस्था है क्या कहना चाहिएगा उसके बारे में? बढ़िया कहना चाहिए, बढ़िया। क्या नाम है आपका? विंदेश्वरी यादव। जी। घर? महुजान। महुजान, थोड़ा आइएगा, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ मैडम, स्कूल से? कौन से स्कूल से हैं? सेंट जोसेफ स्कूल। क्या कैसा रहा कार्यक्रम, थोड़ा समेली प्रखंड का कार्यक्रम स्थापना दिवस जो आज मनाया गया है उसके बारे में थोड़ा बताइए? ये तो मैं पहली बार आई हूँ, पर बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा? हाँ अच्छा रहा, अच्छा रहा ना, अच्छा रहा। सभी बंदोबस्त भी बहुत अच्छे हैं। जी। क्या कहना चाहिएगा जो बच्चे हैं, सभी प्रतिभागी भी भाग लिए और आपके स्कूल के बच्चे भी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए? बोले क्वेश्चन कीजिए पहले, क्वेश्चन कीजिए पहले, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूँ, आप जो यहाँ पे आई हैं, आपके बच्चे भी यहाँ, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति पेश की है, तो क्या क्या लगा आपको ये जो मंच है, मंच में सभी को सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिएगा ऐसा कार्यक्रम को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट ईयर को भी आए थे, अभी भी आके अच्छा लग रहा है, और हम लोग को भी जो रिस्पेक्ट मिल रहा है अच्छा लग रहा है, बस इतना ही बोलूंगी। आप क्या कहें, नाम बताइए? नाम बताइए। मेरा नाम सहेली सिन्हा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है, अच्छे से सब कुछ किया गया है और अच्छा लग रहा है सबको देखने की, इतना अच्छा से स्थापना किया गया है यहाँ पर, सिर्फ खुशी हुई यहाँ पर आके। क्या नाम है आपका? नजी में ठीक है। ये SD जोशा पब्लिक स्कूल की शिक्षिका है और कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, कुछ यहीं से सम्मिलित है, जरा इनको कुछ
करते हैं, क्या कहाँ आए थे बताइए? हम लोग फैमिली ब्लॉक के स्थापना दिवस पे आए हुए हैं। क्या देखे स्थापना दिवस? हाँ देख रहे हैं। कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ अच्छा है, सारी व्यवस्था टूटन है। देखिए इनके जो निवेदक हैं, प्रखंड प्रमुख है, निवेदक हैं, और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, और लगातार थोड़ा नजदीक आइएगा, हम दिखा रहे हैं आपको। पहले ऐसा कार्यक्रम आज जो है समेली में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, समेली प्रखंड का जो स्थापना दिवस है, सबसे पहले हम थोड़ा इधर आ जाइए, सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे यहाँ के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार उर्फ पप्पू का, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का, और समेली ग्राम की जनता का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और समेली की जनता, समेली की जनता यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में डटी हुई है, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, बीबीआरओ, अंचल के कर्मी, मनरेगा के कर्मी, सबों का सहयोग, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है। कोठिया थाना की पुलिस लगातार बनी हुई है यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर, और कुरसेला थाना की भी पुलिस इस कार्यक्रम में देख सकते सफल बनाने के लिए अंचल कार्यालय कटिहार अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, और हम दिखा रहे हैं आपको, जरा देखिए और समझिएगा, प्रयास कीजिए क्या कैसा कार्यक्रम हुआ। ठीक हो रहा है। आइए चकला मोला नगर के मुखिया से बात कराएंगे, थोड़ा नजदीक है। ए मुखिया जी, कैमरे में मुखिया जी का कैद कीजिए, कैसा कार्यक्रम रहा ये बताइए। हर साल की अपेक्षा इस बार हमारा अपना दिवस बहुत बेहतर रहा, और हर जनता जवाबदेरी एक दिन की जवाबदेरी है। हमारे सारे विधायक जी सारे आए, और हम लोग मिलजुल के, हमारे मुखिया प्रतिनिधि वार्ड सदस्य सारे लोग मिलकर के कार्यक्रम को सफल बनाया है, मतलब बहुत अच्छा। इतना सारा व्यवस्था यहाँ पे, जितने भी पब्लिक है कमेली के, यानी जो भी यहाँ पे आए हैं वो भोजन करके जाएंगे, वो भी व्यवस्था की गई। बिल्कुल, सारे जनता से अनुरोध है कि आप लोग सारे अपनी भोजन पर्याप्त भरा हुआ है, भोजन करके जाएंगे। थोड़ा हम आपको भोजन का जो व्यवस्था है वहाँ में भी लेके चलते हैं, जिस तरह से खाना का प्रबंध यहाँ समेली प्रखंड मुख्यालय का मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये आयोजन में जितने भी जिन्होंने भी यह कार्यक्रम में मदद किया है, सबको बाबा बजरंगबली की का असीम कृपा पे बने रहे। चलिए हम दिखाते हैं आपको, जरा आइएगा, आइए थोड़ा आइए, और दिखा रहे हैं, आइए। आइए, प्रशस्ति पत्र मिला है आपको, सम्मान मिला, बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कर, और मुझे, मैं और कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहिए मैडम, पौधा भी है और इस कार्यक्रम में आप पहुंची है, महिला है, शिक्षिका है, तो क्या कहना चाहिएगा, थोड़ा बताइए कार्यक्रम कैसा रहा, बताइए। जी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, हमारे ब्लॉक का आज स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किए, तो सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग ब्लॉक के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करें, कहने का मतलब है यहाँ पर उन सभी तमाम लोगों को सम्मानित किया जाता है जो ब्लॉक में साल भर में कुछ करते हैं, या यहाँ के बच्चे जो विद्यालय में टॉप करते हैं, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाता है, इससे बच्चे काफी इंक्रेज होते हैं, और जरूरत है समाज में सभी लोगों को बढ़ चढ़ के इस चीज को आगे बढ़ाने की, और सभी बच्चों को शिक्षित करने की, और इसी तरह बच्चों को प्रोत्साहित करने की। अपना परिचय जी, मेरा नाम निवेदिता सिंह है, और मैं प्लस टू धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय की प्लस टू की शिक्षिका हूँ, हिस्ट्री की शिक्षिका हूँ। और बहुत धन्यवाद है मैडम का। चले, और हम दिखा रहे हैं आपको अंदर खाना का जो प्रबंध है, और आइएगा थोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था थोड़ा दिखाते हैं हम, अंदर का नजारा कितने लोग खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे समेली प्रखंड का जो स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर समेली प्रखंड के जनप्रतिनिधि, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार पप्पू, बीडीओ
और सभी जनप्रतिनिधि और जनता के भी सहयोग से ये भोजन का जो काम किया जरा दिखाते हैं आपको। देखिए भात दाल सब्जी है, थोड़ा दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, कैमरे में कैद कीजिए। ये टेंट बनाया गया और सभी को देख, थोड़ा आइए नजदीक आइए, नजदीक आइए। और यहाँ पे थोड़ा हम केटरर किया गया है। और क्या कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत मस्त रहा। कैसा रहा बताइए ना इसको? हाँ पूछिए, बताइए कैसा रहा? नहीं ठीक है, खाए भोजन? खाए क्या खाए? भोजन खाए दाल सब्जी चावल, दाल सब्जी चावल वगैरह था। देखिए अभी तक कितने लोगों ने खाया है उसका पूरा डिटेल हम बताते हैं आपको। थोड़ा आइएगा, हमारे हमारे कैमरा मैन आज दोस्त हैं। और चलिए हम कहाँ आइएगा, कहाँ है लोग, कहाँ हेलो, कहाँ है लो सब चीज सुन लिया है के उद्घाटन के सब सुन लिया, नाच गाना देख लिया, खा लिया, पी लिया, खुशी मनेलिए, एकदम खुशी खुशी। श्रीमती धर्मी देवी भोर चकला मोला नगर चार वार्ड चकला। आप कहाँ से आई है बताइए ना, बोल 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 नहीं सकते हैं, बोलिए बोलिए ना। नीतीश कुमार अभी महिला प्रचार बोलने में क्या ला, बोलिए कहाँ से आए, जगह बताइए। खुशी मना लिया, खुशी मना ले, भोजन खाए क्या क्या खाए? बैगनी दाल भात तरकारी दही चीनी। चलिए यहाँ पे कितने लोगों ने खाया है थोड़ा दिखाते हैं। थोड़ा इधर आइएगा, इधर इधर खड़ा आइएगा, एक मिनट रुकिए, आप थोड़ा हटिए ना, कौन समझा कौन हटो है ये समझे में नहीं बात। थोड़ा इधर आइएगा, इधर आइए। देखिए यहाँ पे समेली प्रखंड मुख्यालय में और यहाँ के जनप्रतिनिधि बी डी ओ प्रमुख प्रतिनिधि और आम जनता के भी सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कैटरर्स की व्यवस्था है और ऐसा हमको लगता है पूरे बिहार में ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहाँ पे जनता को खिलाया जाता होगा। और यहाँ पे जनता को खिलाया गया है भात दाल सब्जी पापड़ बैगनी, क्या कहना चाहिए? कितना लोगों को अभी तक मैं आप खिला दूँ? 20-25 हजार आदमी खा लिया होगा। सही बात बोले, झूठ मत बोलिए, सही ये बार बात बोल रहे हैं। कितना आपने खाया? लगभग 20 हजार। 20 हजार तब 10-11 बजे से चल रहा अभी तक, चल 10-11 बजे से खाना चल रहा है, अभी तक भी भीड़ लगा हुआ है। कितना उधर रूम में भी ऑफिस में भी आदमी को खिलाया जाता है, खिलाए ऑफिस में भी खिलाया। क्या भोजन खिलाए? चावल दाल सब्जी पापड़ बैगनी सलाद यही सब है। केटलर अभी का है? हाँ मेरा ही है, सुनील कुमार पंडित। सुनील कुमार पंडित इनका नाम है। थोड़ा हम दिखाते हैं, थोड़ा आइए। ये जो है सब्जी है और ये दाल है और थोड़ा आइएगा नजदीक। और यहाँ पे देखिए ये सब्जी दाल, देखिए यहाँ पे सब्जी है, देख लीजिए दाल भी है और चावल भी है। बने रहिएगा इंजीनियर अमित पंडित के साथ। और इस वीडियो को अभी कभी बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है, कर दिए मैं कर लेता हूँ। बने रहिए इंजीनियर अमित पंडित के साथ। अगर इस वीडियो के अंत में कुछ गलत बोलेंगे तो क्षमा चाहते हैं। और वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक फैल पाए कि समेली प्रखंड मुख्यालय में कैसा कार्यक्रम हो रहा था। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।